सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में जो कि अस्त होने जा रहा है। शुक्र ग्रह जो है पूरब में अस्त होगा 24 अप्रैल को सुबह 5:56 पर और इसका उदय जो पश्चिम में होगा 7 जुलाई को सुबह 7:02 पर, यानी कि लगभग 2.5 महीने के लिए शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे। शुक्र के अस्त होने पर जो है किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है, जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, संस्कार, गृह प्रवेश या कोई नया कार्य काम शुरू करना, इस तरह के सभी प्रकार के जो है जो कार्य मांगलिक कार्य होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। क्योंकि सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है शुक्र। इस ग्रह से जो है वैवाहिक जीवन, विलासिता, धन ऐश्वर्य, विवाह संबंधी सभी प्रकार के कार्य हैं और जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं ये सब शुक्र से ही देखे जाते हैं। ये तो इसमें बृहस्पति का भी रोल होता है, लेकिन जब शुक्र अस्त हो जाता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके पूर्ण रूप से परिणाम नहीं मिलते हैं और कार्य उल्टे ही होते हैं। तो लगभग 2.5 महीने के लिए अस्त होने से किसी भी प्रकार का जो है मुहूर्त अब नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो 2 दिन पहले उसका वार्धक्य दोष लग जाता है। तो शुक्र का जो है वार्धक्य दोष 22 अप्रैल को सुबह 5:58 प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि शुक्र अस्त होगा 24 अप्रैल को, तो उससे 2 दिन पहले 22 अप्रैल को शुक्र का वार्धक्य दोष प्रारंभ हो जाएगा और शुक्र अस्त होगा 24 अप्रैल को सुबह 5:56 पर और इसका उदय पश्चिम में होगा फिर 7 जुलाई को सुबह 7:02 पर। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ये अस्त हो जाएगा किसी प्रकार का, किसी की सगाई नहीं करनी, रोका नहीं करना, शादी ब्याह, गृह प्रवेश जो भी कार्य है फिर उसके बाद जुलाई में ही हो गए, क्योंकि जुलाई में 3-4 फिर मुहूर्त हैं उसी दौरान, फिर 14-15 के आसपास फिर देवशनि काष्ठी पर फिर मुहूर्त ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद नवंबर में मुहूर्त लगेगी। तो क्योंकि शुक्र के साथ साथ बृहस्पति भी अस्त हो जाएगा, आज तो मैं केवल आपको शुक्र के बारे में बता रहा हूँ, अगली वीडियो में हम बृहस्पति के बारे में भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में केवल आज इतना ही है। तो आज जाना आपने शुक्र अस्त के बारे में, हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।